तो हजारों साल से हमारे भीतर ये सिस्टम बना हुआ है जो हाइपोक्लोराइडेमिया को कर देता है। इवन आज की तारीख में अगर जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको घर में है, उसे तो आप उसे शक्कर खिलाते हो उसकी शुगर, लेकिन अगर मान लो वो शुगर के अभाव में अनकॉन्शियस हो गया, कन्वल्स कर रहा है, अब आप उसे शक्कर खिला नहीं सकते, घर में उसको आईवी लगा नहीं सकते। ऐसे में यदि आप उसको ग्लूकागॉन का एक इंजेक्शन का आता है, अगर आप उसको ग्लूकागॉन का एक इंजेक्शन लगा दो, तो उसकी बॉडी अंदर ही अंदर तुरंत ग्लूकोज प्रोड्यूस करके हाइपोग्लाइसीमिया को रिलीव कर देगी। एक बार जाग जाए, उठ जाए, फिर उसके बाद आप उसको खिलाते हैं। तो ग्लूकागॉन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जब शरीर में ग्लूकोज की कमी, और ये कमी आदि मानव के जमाने में हमेशा बनी रही, और ग्लूकागॉन खूब सारा फंक्शन करता रहता। तो हमारे जो आदमी चल रहा था बेचारा भूखा प्यासा, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया से नहीं मर रहा था क्योंकि इसके शरीर में ग्लूकागॉन सीक्रेट हुआ। अब ये बेचारा कहीं घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे आके बैठा, और पेड़ आम का था, इसने कहीं से खूब सारे फल पकड़े और मीठे मीठे फल खाने शुरू किए। इसके शरीर में वो फल जाके इकट्ठे हुए और खूब सारी शुगर बन गई। अब इसकी बॉडी को पता है कि अगर ये शुगर खत्म हो गई तो तीन दिन फिर खाना नहीं मिलेगा। कब खाना मिलेगा, अगला फल कब मिलेगा, अगला खाना कब मिलेगा, नहीं पता। तो ये बॉडी, इस बॉडी में जो पैंक्रियाज है, अब की बार उसे पता है कि ये खाना स्टोर करके रखना है। जैसे कोविड टाइम होता है ना कि आप सब्जी ला इकट्ठा करके रख लो, सेव करके रख लो, क्योंकि आते कितने दिनों तक नहीं मिलेगी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही इसकी बॉडी में जो पैंक्रियाज है, इंसुलिन, और इंसुलिन अपना काम करेगा खाने को स्टोर करने। तो इंसुलिन शुगर कम करने का हार्मोन नहीं है, शुगर कम करने की दवाई नहीं है। इंसुलिन का पर्पस जो बनाया था ऊपर वाले ने, वो ये था कि जब भी कभी एक्सेस खाना आ जाए तो उसे स्टोर करके रख ले, ताकि जब जरूरत पड़े तब वो काम। लेकिन ये एक साइकिल चला, जरूरत और खाना, जिसको कहते थे फीस्ट एंड फैमिन। फीस्ट एंड फैमिन मतलब कि काफी समय अकाल और फिर खाने को खूब सारा मिलता है। आदि मानव ऐसा ही दिखता। तो ये इंसुलिन क्या क्या काम करेगा, इंसुलिन उस खाने को स्टोर करेगा, इंसुलिन उस खाने को कहीं ना कहीं सेव करके रख लेगा। कैसे? इंसुलिन, ये जो नए नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल आए हैं ब्लड में, कहाँ से आए? आपने आम खाया, आम एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होके ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा हुआ। जैसे ये ग्लूकोज बना, इंसुलिन इस ग्लूकोज को हाथ पकड़ के लेके जाएगा, सेल के पास जाएगा, सेल का दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा कि ग्लूकोज थोड़ा सा रख ले, काम आएगा आगे भविष्य में। कौन से सेल्स में? मसल के सेल्स में और फैट के सेल्स में। ऐसा नहीं कि हर सेल को इंसुलिन की जरूरत पड़ती हो ग्लूकोज लेने के लिए, नहीं तो डीएम वन वाले तो मर ही जाते बेचारे। क्यों? क्योंकि इंसुलिन बनता ही नहीं उनमें। तो इंसुलिन सिर्फ मसल और फैट सेल में ग्लूकोज को अपटेक में हेल्प करता है। ग्लूकोज अपटेक में हेल्प करता है मतलब ग्लूकोज को पकड़ के ले जाता है, उन सेल्स को नॉक करता है, कहता है इसको संभाल के रख लो किसी भी फॉर्म में। तो ये सेल क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन बना लेते हैं। जैसे प्लांट में स्टार्च होता है ना, वैसे एनिमल में ग्लाइकोजन होता है। तो ये सेल ग्लाइकोजन बना के ग्लूकोज को समेट के लपेट के पोटली में बांध के रख लेते हैं। फिर क्या होता है सर, ग्लाइकोजन बन गया और क्या करता है, नया ग्लूकोज बनने से रोक देता है कि वैसे ही ग्लूकोज ज्यादा है, नया ग्लूकोज क्यों बनाना। तो जो जो ग्लूकागॉन कर रहा था उसका उल्टा काम इंसुलिन कर रहा है। फिर और स्टोर करना है तो फैट बना के स्टोर कर लेता है, क्योंकि फैट सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है, एनर्जी एफिशिएंट टिश्यू। तो फैट को भी स्टोर करके रख लेता है। और क्या करता है, सारे मसल बिल्डिंग के काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के और प्रोटीन के ब्रेक डाउन को रोकने के, ये तमाम काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है। अगर किसी के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, जैसे डायबिटिक टाइप वन जो लोग होते हैं वो अक्सर दुबले पतले मिलते हैं, दुबला पतला बच्चा जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में मिलेगा आपको डिहाइड्रेशन के साथ, या डीएम वन वाले जो लोग हैं, आईडीडीएम जिसको पुराने जमाने में कहते थे, वो लोग अक्सर दुबले पतले मिलते हैं। और इंसुलिन जिनमें अधिकता हो जाती है वो सब मोटे हो जाते हैं।
तो इंसुलिन शरीर में करीब करीब 50 यूनिट सिक्रेट होता है एक मिनट में, और ब्लड ग्लूकोज के बढ़ने के रिस्पॉन्स में सिक्रेट होता है। जब भी आपने कुछ खाया तो तुरंत इंसुलिन सिक्रेट होगा और उसको समेट के रखने के लिए चला जाएगा। ये चाबी की तरह काम करता है, गेट को खोलता है। वही कह रहा हूँ, लेकिन हर सेल को जरूरत नहीं है, मुसीबत है। सिंपल है, आदि मानव का बड़ा सिंपल काम रहता था, 4 दिन भूखे रहो, 1 दिन खाना खाओ, फिर 4 दिन भूखे रहो, 1 दिन खाना खाओ। जब भूखे रहो तो भूखा कौन से, उसी स्टोरेज को तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करो, जब खाना खाओ तो उसी को स्टोरेज को दोबारा बना लो, वो इन्वेंटरी आवड़ चावड़ चलती रहे। फिर धीरे धीरे करके आदि मानव हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर शुरू किया, ओरल जो है ना, अब बढ़ा दो, इसको खाने की ऐसी कमी नहीं थी, अब इसको खाना मिलता है, ये दिन में 1-2 बार खाना खा पाता है, जब मौसम रहता है तो इसे खाना मिलता है। अब भी ये बहुत मेहनत करता है, दिन भर खेत में काम करता है, हल चलाता है, फिट आदमी है, और अब इसके दोनों हार्मोन बैलेंस, जब ग्लूकोज कम होता है तो वही पैंक्रियाज इसकी बाहर निकालता है, ग्लूकागॉन से ग्लूकोज रिलीज होता है और ब्लड शुगर नॉर्मल होता है। तो ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिया एट द सेम टाइम, जब ब्लड ग्लूकोज पर्याप्त हो जाए, हाई हो जाए, खाना खाने के तुरंत बाद इंसुलिन निकलती है, वो इंसुलिन जाके फैट बनाती है और ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मलाइज कर लेती है, मतलब जब शुगर बढ़ी तो उसको फैट वेट में कंजर्व कर लिया और शुगर नॉर्मल। यहाँ तक भी जीवन ठीक चल रहा है, आदमी मेहनत खूब करता है, खाने को कम मिलता है उसे और वो हैप्पी है। उसकी मैक्सिमम डाइट प्रोटीन बेस्ड है, एनिमल प्रोटीन बेस्ड है। अभी भी उसको बहुत ज़्यादा ग्रेन नहीं मिल रहा है खाने को, बहुत ज़्यादा कार्ब नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी सीजन में कोई फल मिल गया, कोई बेरी मिल गई, तोड़ ली, खा ली, लेकिन आज के जैसे फल नहीं मिल रहे, जो इंजेक्शन लगे हुए बनते हैं ना, खूब मीठे मीठे फल, वैसे नहीं है। उसको जो फल मिल रहे हैं वो बेर जामुन जैसे फल, लेकिन ये आदि मानव अब रिच हो गया है, होर्डिंग हो गया है, इसके अंडर में लोग काम करने लगते हैं और अब इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, घर में बैठा है आराम से, लोग काम कर रहे हैं और ये काम होता है, पीपल आर वर्किंग फॉर हिम एंड ही इज ईटिंग एंड ही इज ईटिंग द थॉट। ये हर 2 घंटे में कुछ खा लेता है, फिर फ्रेंच फ्राइज खा ली, फिर बर्गर खा लिया, फिर कोक पी लिया और फिर कुछ ना कुछ खाता है, और ये खा खा के इसके हर खाते में, इसको भूख लगे न लगे ये शौक के लिए खाएगा। और उस खाने के साथ दिक्कत ये हो रही है कि हर घंटे पे इसके शरीर में और वो इंसुलिन फिर उस बढ़ी हुई शुगर को लेके जाती है और सेल के पास पहुंच जाती है। वो इंसुलिन उस शुगर को लेके सेल के पास जाती, कहती और शुगर रख लो, और शुगर रख लो, लेकिन एक समय के बाद वो सेल को क्या तुमने परेशान कर दिया, कितनी शुगर है, ये तो आदमी हर बार खाता है घंटे भर में, फिर शुगर बढ़ती है इसकी, फिर इंसुलिन सिक्रीट होता है, फिर इंसुलिन लेके जाता है, ये शुगर रख लो, शुगर रख लो। एक समय के बाद वो सेल अपने दरवाजे खोलना बंद कर देते हैं और इंसुलिन को अंदर ही नहीं, शुगर बढ़ती जा रही है, इंसुलिन निकलता जा रहा है पर वो काम नहीं कर रहा। इधर पैंक्रिया सोच रही है कि शुगर बढ़ रही है, शायद इंसुलिन कम पड़ रहा है, और इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन पैंक्रिया इंसुलिन बनाती जा रही है, सेल इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस स्थिति को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है बिगिनिंग और इनिशिएशन ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज की स्टेज होती नहीं है, मैंने खुद बना दिया अपने हिसाब से, पर जैसे कैंसर की स्टेजेस होती है, ये जो हमारा आदि मानव था, ये जो हमारा व्यक्ति था, ये अब डायबिटीज की स्टेज 1 में पहुंच गया है, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कैसे पहचाने, ये आदमी अगर आपके ओपीडी में आ जाए तो आप इसे कैसे पहचाने? मैं ही बताता हूँ कैसे पहचानेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आदमी आपके ओपीडी में रोज आता है, आप जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी ओपीडीज में ऐसे ढेरों मरीज एवरीडे आते हैं, आप पहचान नहीं रहे हो। तो ये आदमी 45 साल से ऊपर का होगा, यूजुअली थोड़ा सा मोटा साइड होगा, बहुत मोटा नहीं होगा, थोड़ा सा हेवियर साइड, थोड़ी सी छोटी सी पहले से कमर ज्यादा हो सकती है, 40 से ज्यादा हो सकती है, 35 से ज्यादा, ये 4-5 दिन के बाद सेडेंटरी होगा। आप पूछोगे क्या काम करते हो, ये ऑफिस जाता होगा, घर बैठा रहता होगा, अपने शाम को आपके नजर से दिखने लगा, टहलने के नाम पे 1-2 किलोमीटर घूम लेता होगा। और इसको आप ध्यान से देखने जाओगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के और मिलेंगे, इसका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा 130 के 80 के ऊपर,
और हो सकता है कि इसको डायबिटीज की हिस्ट्री हो, इसकी फैमिली में कि पिताजी को। अब आप कहो सर इसको बहुत मरी जाता है, हाँ आते सबके ओपीडी में आते हैं, हम नहीं पहचानते हैं, हमें ढूंढे नहीं जाते। क्लिनिकली भी आप देखोगे तो आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। इन लोगों को ट्रंकल ओबिसिटी, ट्रंकल ओबिसिटी मतलब कि पूरा शरीर भले नॉर्मल हो पर छोटी सी पोज हो, कि आदमी मानता है दुबला पतला हो पर थोड़ा सा पेट दिखता होगा, ये भी ट्रंकल ओबिसिटी। ये साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। दूसरा साइन है ये चीज़, क्या कहते हैं उसको, एकन्थोसिस नाइग्रिकेंस। एकन्थोसिस नाइग्रिकेंस मतलब भी ये जो काले काले निशान हो जाते हैं तुमने देखे होंगे गर्दन पे, बगल में, आर्मपिट्स में, ये साइन है। क्योंकि डायबिटीज लिपिड मेटाबॉलिज्म की भी डिजीज है, शुगर का, इंसुलिन का काम ही है ना कि शुगर को लेकर फैट में कन्वर्ट करना। ये फैट में कन्वर्जन यदि एबनॉर्मलाइज होगा तो ये और क्या होगा, इस व्यक्ति को स्किन टैग्स बनेंगे गर्दन में या बगल के आसपास, ऐसे छोटे छोटे से जिसको आप उन बॉन्ड कहते हैं वैसे स्किन के टैग निकल के आ जाएंगे। और भी आप इसमें देखने जाओगे तो तमाम चीज़ें, आप इससे बात करने जाओगे तो ये कहेगा कि मुझे बार बार भूख लगती है, मुझे खाने की बहुत इच्छा होती है, दिन भर थका थका रहता हूँ, फटीग बहुत सारा रहता है, और इसका बीपी आप नाप जाओगे तो 135 से ऊपर। ये सारे साइन हैं जो आपके मरीजों में रोज आपके सामने होते हैं, आप मिस कर सकते हैं। मेरी निगाह से देखो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, तो कह रहा हूँ कि ये मत सोचो कि अपन देश का भला करने निकले, अपने खुद के डॉक्टरी को भी एज अ बिजनेस देखो। ये सारे व्यक्ति शक्कर की बोरियां हैं जो तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम्हें वाकई समाज का भला करना है, डायबिटीज एक पैंडेमिक की तरह फैल रही है और हिंदुस्तान तो कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज, इन डायबिटिक्स को ढूंढो और इनको ट्रीट करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा वो तो अलग बात है, अपने अपने ओपीडीज में, अपने अपने कॉलोनीज में, अपनी अपनी सोसाइटीज में कैंप लगाओ। ग्लूकोमीटर कितना सस्ता आता है, ग्लूकोमीटर की शुगर स्ट्रिप कितनी सस्ती आती है, फ्री में कैंप लगाओ कि मैं आपका फ्री में बीपी शुगर सब टेस्ट करूँगा। पैथोलॉजिस्ट से बात कर दो कि आप HbA1c आधी प्राइस में कर देना, आप सीरम इंसुलिन आधी प्राइस में कर देना, और मिलकर कैंप लगाओ और पूरी पूरी कॉलोनी के स्कैन कर दो। तुम्हें ढेरों मरीज मिल जाएंगे ऐसे जिनको पता नहीं था और वो डायबिटीज इस समय पे तुमने पकड़ लिए तो तुम इसका भाग ना करोगे। क्या मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, कुछ खास नहीं मिलेगा, तुम्हें निगाह रखनी पड़ेगी इनकी इन्वेस्टिगेशन पे, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। इसकी शुगर करने जाओगे तो ऐसी बहुत बड़ी भी नहीं मिलेगी 200, इसकी फास्टिंग करोगे तो 100 to 125 आएगी, बहुत बड़ी भी नहीं होगी। इसका HbA1c करोगे तो मैक्सिमम 6.4 आएगा, मेरा कुछ दिनों पहले करीब साल भर पहले 6.2 आ गया, तब से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो इसका HbA1c करने जाओगे 6.4 के अंदर ही होगा, ऐसा सुपर डायबिटिक नहीं होगा, रिपोर्ट में लिखाएगा प्री डायबिटिक रेंज। फिर इसका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो सकता है, क्योंकि मोटा सा आदमी हो सकता है ट्राइग्लिसराइड बढ़े, हो सकता है थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, लिवर फंक्शन हो सकता है डिरेंज हो, पर कुछ खास नहीं है। इनकी जाँचों में कुछ बहुत बड़ा नहीं है, पर आपको इसी तरह ही अगर आप बहुत गहरी जांच कराना चाहते हो। और इस आदमी का यदि मैं सीरम इंसुलिन लेवल नापने चला जाऊं कि ब्लड में कितना इंसुलिन है, तो वो बढ़ा हुआ आएगा कि घटा हुआ आएगा, विल इट बी इंक्रीज और विल इट बी डिक्रीज, आई या डी लिख के मुझे बता दो चैट बॉक्स, मुझे ही पता रहे कि लोग ज्यादा है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस समय इस व्यक्ति का इंसुलिन बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि इंसुलिन तो है शरीर, सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो पैंक्रियास कोशिश करी कि और बनाऊं नया बनाऊं, तो इंसुलिन बढ़ता जा रहा है। इसका सीरम इंसुलिन करोगे या सी पेप्टाइड करोगे, एक ही बात, सी पेप्टाइड मतलब वो धुआं है और इंसुलिन वो आग, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, इसका इंसुलिन या सी पेप्टाइड बढ़ा हुआ होगा। इस आदमी को अगर तुमने यहाँ पकड़ लिया तो तुम इसे तुम इसकी जिंदगी बदल सकते हो, तुम एक्चुअली एक इंसान की जान और उसका परिवार बचाओ। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो वैसा होगा कि ये इंसान अब फिसल पट्टी पे फिसल चुका है, अब आपको सिर्फ इसकी स्पीड कम करनी है, बाकी तो इसका जो अंत है वो तो निश्चित है। इस समय आपने जिसको पकड़ा, और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, वो सारी चीजें मेरे अंदर भी हैं कि मैं भी थोड़ा सा मोटा हूँ, मुझे भी थकान होती है, मुझे भी होता है। अपना अपना सीरम इंसुलिन नापो, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो अपने आप को चेंज करो।
क्या चेंज करना है? इसको बोलना है कि तुम आदि मानव, अरे ये वाले नहीं दे, इसको बोलना है कि तुम आदि मानव बन जाओ, मतलब वो जो हमारा प्रिमिटिव मैन था कि खाओ कम और चलो ज्यादा, वो कर ले। और अगर ये तुम नहीं कर पाए तो किसी भी स्टेज का डायबिटिक हो तुम उसका कोई भला नहीं कर रहे, तुम उसको कौन सी डाफा ग्लिफ्लोजिन और एम्पा ग्लिफ्लोजिन तुम कोई भी टाइड खिला दो, जब तक वो खाएगा कम और चलेगा ज्यादा नहीं तब तक ये सारी दवाइयाँ जैसे ये सारा इलाज यूज है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अ डायबिटिक नीड्स टू डू। और हमारे यहाँ लोग दुष्ट होते हैं, लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि शादी में गया था दो गुलाब जामुन खा लिए, थोड़ा सा इंसुलिन ज्यादा लगा लिया, या कल मैंने ज्यादा खाया था तो आज मैंने डायबिटीज की गोली खा ली, कल मैंने कम खाया था तो आज डायबिटीज की गोली नहीं खाई। आपको इसे इंश्योर कराना है कि इसका इनटेक और इसका वर्क दोनों में सही ना होगा। यही एक चीज करके आपको अगर हो रखी है तो आप भी बदल सकते हो। अगर गुरु पूर्णिमा पे लेक्चर से एक ही प्रसाद लेके जाना है तो अगर भैया छोटी सी तोंद आ गई है तो चलना फिरना शुरू करो, कितने ही बिजी डॉक्टर हो, क्योंकि बाद में अगर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़े तो कोई मतलब नहीं है, कितना भी पैसा कमाए। तो इस आदमी को यहीं से पकड़ के ट्रीट करना है। पहला ट्रीटमेंट क्या है? डाइट काउंसलिंग एंड एक्सरसाइज काउंसलिंग। दिन का कम से कम 30 मिनट, हफ्ते के कम से कम 150 मिनट आपको एक्टिवली एक्सरसाइज करनी है। इसकी लंबी बात अपन कोर्स में करेंगे, अभी सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसको आदि मानव बनना है, कम खाना है और ज़्यादा चलना है। ट्रीटमेंट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो भी लोग क्लास में आते हैं वो एक्सपेक्ट करके आते हैं कि दवाई बताएंगे, दवाई के डोज बताएंगे, तो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। दवाइयों पर अपन इस क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हर दवाई का अपना एक सेपरेट लेक्चर में कोर्स में अलग से बनाऊंगा। फिर भी मोटी मोटी बात, इस आदमी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। किसी भी इंसान को जब आपको दवाइयाँ देनी है तो अपन फिजियोलॉजिकल लगाते हैं, अपन जो DPP-4 और SGLT की बात नहीं करते। इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? इसको इंसुलिन की कमी है? नहीं, इसको इंसुलिन पर्याप्त है, इसके सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर। तो इसे आपको क्या करना है? इसे आपको ऐसी दवाइयाँ देनी है जो इंसुलिन के प्रति सेंसिटाइज करें। तो ये जो दो दवाइयाँ आप देख रहे हैं, मेटफॉर्मिन और बायोग्लिटाजोन, मैं ग्रुप में भी नहीं जा रहा कि ये बाइगुआनाइड है कि दूसरा कौन सा टाइड है, मुझे समझ में भी नहीं आती चीज़ें। आपको ऐसी दवाई देनी है फर्स्ट स्टेज डायबिटिक को जो उसकी इंसुलिन के प्रति सेल को जगा दे। मतलब ये मेटफॉर्मिन जाएगी सेल से कहेगी कि भैया नाराज मत हो, दरवाजा खोल दे, इंसुलिन को आने, और सेल आने देगा और इंसान ठीक हो जाएगा। तो मेटफॉर्मिन फर्स्ट स्टेज डायबिटिक के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, प्री डायबिटिक के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। आपका मरीज मानने को तैयार नहीं होगा कि सर मेरा तो HbA1c भी 6.4 से कम है, मैं क्यों खाऊं मेटफॉर्मिन, मेरे को हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो जाएगा? मेटफॉर्मिन से कभी हाइपोग्लाइसीमिया, मेटफॉर्मिन टू बिगिन विद, लोग तो कहते हैं कि वंडर ड्रग है, लेकिन किसको देनी है? डायबिटिक टाइप 2 को देनी है, 1 वाले को मत देना, 1 के बाद बात ही कहीं और करेंगे। मेटफॉर्मिन को काम करने के लिए थोड़ा सा इंसुलिन होना चाहिए, इंसुलिन के प्रति सेंसिटाइज कर रहा है तो इंसुलिन हो भी तो सही। तो जिस आदमी में इंसुलिन की अधिकता है उस इंसान को मेटफॉर्मिन देनी। कैसे काम करती है? लिवर में जाती है, लिवर में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देती है, लिवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक देती है, जो अपन बता रहे थे वही उल्टा काम करती है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इंसुलिन सिक्रेट नहीं करती, जो इंसुलिन है उसके प्रति इंसान सेंसिटिव बना दे। ठीक, फिर इससे वेट गेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कराती, इंसुलिन एनाबोलिक हार्मोन है, मेटफॉर्मिन कभी इंसुलिन सिक्रेट नहीं कराएगी, उल्टे वेट लॉस कराती है। तो आपका वो जो चबी चबी मोटा मोटा तोंद वाला आदमी है उसको मेटफॉर्मिन दोगे और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने को बोलोगे बड़ी जल्दी फिट हो जाएगी। और इसके अलावा मेटफॉर्मिन क्या करती है कि इवन ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि पेट में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी कम करती है। तो इंटेस्टिन में ग्लूकोज आएगा पर उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। एक और ग्रुप है दवाइयों का जिसको हम कहते हैं वो अकारबोज और वोगलीबोज और वार्गम वाली दवाइयाँ, ग्लूकोसाइडेज यदि मुझे नाम नहीं जानते, वो जो दवाइयाँ हैं वो भी यही काम करती हैं कि पेट में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिजियोलॉजी पर बात करूँगा, ध्यान देना, अगर पेट में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ग्लूकोज इंटेस्टीन में ही रह गया और इंटेस्टीन के साथ साथ नीचे कोलन में चला गया। कोलन में ढेर सारे बैक्टीरिया बैठे जो उस ग्लूकोज पे झपट पड़ेंगे और उसको खाएंगे और उस ग्लूकोज को खाएंगे और खूब सारी गैस बनाएंगे। तो चाहे मेटफॉर्मिन हो और चाहे ये अकारबोज और वोगलीबोज वाली चीज़ें हों,
इन सबसे इंसान को खूब बेल्चिंग होगी, फ्लैचुलेंस होगी, गैस बनेगी, टकारें आएंगी और वो इन दवाइयों को लेने में कतराएगा। तो मेटफॉर्मिन के साथ आपको ध्यान रखना है कि इससे भी नौशिया, वॉमिटिंग या गैस्ट्रिक जो डिस्कम्फर्ट हो सकता है उसे कम करने के लिए इसको हमेशा खाने के पहले ग्रास के साथ खाना है। तो यूँ समझो कि खाना लेके बैठो और पहले निवाले के साथ मेटफॉर्मिन खानी है, मरीज को याद से बता देना, क्योंकि अगर वो टॉलरेट कर गया इसको तो उसके लिए वंडर ड्रग है और टॉलरेट कर जाते हैं, 90% लोग टॉलरेट कर जाते हैं। तो लो डोज से शुरू करना, पहले कहना 500 mg ओडी लेना है, तो ओडी ऐसा नहीं कि खाली पेट भरे पेट, जब खाना खा रहे हो उस समय खाने, और बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 2.5 ग्राम तक ले जा सकते हो। किसी की एक सस्टेन्ड रिलीज भी आती है, उसको आप करीब करीब 2 ग्राम तक ले जा सकते हो, 2 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 500 टू 1 ग्राम में ज़्यादातर लोगों का काम हो जाता है। जो देखिए कि 2-4 महीने में उनकी HbA1c करीब करीब 1% तक ड्रॉप हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट इसके 1.5 ग्राम के आसपास आते हैं, मतलब 1.5 ग्राम पर डे के लोग। फिर फर्स्ट बाइट ऑफ फूड के साथ देनी है, मैंने बता दिया। एक गड़बड़ करता है कि जो बहुत एकदम वीगन लोग हैं, जो जिनको विटामिन B12 के और भी सोर्सेज नहीं है, उनमें विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो यदि कोई बस जैन व्यक्ति है आपके पास में, तो उन्हें आप साथ में महीने में एक बार विटामिन B12 का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो मेटफॉर्मिन से चल रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा एक थ्योरेटिकल रिस्क होता है कि सब मेटफॉर्मिन से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई मरीज हो जो अस्पताल में भर्ती हो रहा है किसी भी कारण से, कोई इन्फेक्शन हो गया है, सेप्सिस हो गया है, COPD का मरीज है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, या अगर आपको लगता है कि इसको एसिडोसिस होने का कोई कारण है, तो आप इसे मेटफॉर्मिन कर दें, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों में एक खासी सेफ दवा है। ठीक है, दूसरी जो दवा इसी की तरह काम करती है, दैट इज पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन कौन से ग्रुप की मुझे नहीं पता, पर काम इसका वही है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर सकता। तो यही जो हमारा व्यक्ति है जो मोटा है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, उसके लिए दूसरी अच्छी दवा पायोग्लिटाजोन है। अगर मेटफॉर्मिन कंट्राइंडिकेटेड हो वो अच्छी दवाई है, कुछ लोग मेटफॉर्मिन के कॉम्बो में भी देते हैं इसको, वो आपकी चॉइस है कि मेटफॉर्मिन टॉलरेट नहीं हो रही है, उसका डोज कम रखना है, थोड़ा सा इसका स्टार्ट कर दें मेटफॉर्मिन प्लस पायोग्लिटाजोन दे दें, वो अपन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जब हम कोर्स पढ़ेंगे तो कोर्स में बातें ही ऐसी करेंगे, कोर्स ये वाला रिसेप्टर वहाँ पे काम करता है, कोर्स में हम ऐसी बात करेंगे कि मोटे डायबिटिक को क्या देना, दुबले डायबिटिक को क्या देना, डायबिटिक विद हाई क्रिएटिनिन को क्या देना, डायबिटिक विद हाइपरटेंसिव को क्या देना, डायबिटिक विद CHF वाले को क्या देना, इस तरह की बातें करेंगे। यंग डायबिटिक को क्या देना, ओल्ड डायबिटिक को क्या देना, या कि डायबिटिक ऑलरेडी गोली पे चल रहा है, ऑलरेडी इंसुलिन पे चल रहा है, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो क्या देना। तो ये कॉम्बिनेशन सभी अपन यहाँ नहीं पड़ेंगे। जिन लोगों को नैश हो गया है, मतलब जिनको बिना अल्कोहल के भी पेट में सिरोसिस जैसे चेंजेस आ रहे हैं, उनमें भी हेल्पफुल होती है। एक प्रॉब्लम है ये फ्लूइड रिटेंशन का, तो जिन लोगों को हार्ट फेलियर है उन लोगों को दवाई नहीं देनी है, या हार्ट फेलियर के चांसेस हैं पूरे इंजेक्शन फैक्शन के, या CHF का कुछ साइन बन रहा है उसमें। तो पहली स्टेज में अगर आपने डायबिटीज पकड़ ली तो आपने देश का भला किया, आपने समाज का भला किया, आपने खुद का भी भला किया, क्योंकि इस पेशेंट को आपने यंग एज में पकड़ा है, इसको आपने अभी से ट्रीट कर दिया, एक तो ये आपके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा, दूसरे ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन बहुत कम कर दिया। यहाँ तक के लेक्चर में अगर मजा आया हो तो आया लिखा, फिर अपन दो स्टेजेस और पढ़ेंगे, कुछ दवाइयाँ भी और पढ़ेंगे। पानी भी लेता हूँ एक क्षण, अगर आपने इस पेशेंट को यहाँ नहीं ट्रीट किया तो चीज बिगड़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन आपने दवाई नहीं दी, आपने मेटफॉर्मिन चालू नहीं की, इसने अपना जीवन नहीं सुधारा, आपने कहा भी तो भी इसने न दवा चालू की न अपने लक्षण सुधारे। इनिशियली इसने कुछ दिनों के लिए सो कॉल्ड डाइटिंग करने की कोशिश की, लेकिन बाद में इसने वो भी छोड़ी। अब क्या होगा, इंसुलिन निकल रहा है और काम नहीं कर रहा, और पैंक्रियाज इंसुलिन निकालती जा रही है और इंसुलिन काम नहीं कर रहा, और पैंक्रियाज और इंसुलिन बना रही है, बीटा सेल्स ओवर टाइम काम कर रहे हैं, आदमी खाए जा रहा है, हर घंटे खाए जा रहा है, और अल्टीमेटली आदमी ये नहीं करता, इसकी पैंक्रियाज, और वो पैंक्रियाज अब इंसुलिन बनाना बंद,
कि भैया मुझसे नहीं बनता, बीटा सेल्स एक्सॉशन की तरफ आ रहे हैं, बीटा सेल कह रहे हैं कि हमसे ना काम होगा, हम सुन्न पड़ गए, हमसे और इंसुलिन ना बनेगा, इसके खाने को हम नहीं झेल सकते। अगर बीटा सेल डिस्फंक्शन में आ गए तो ये आदमी आपके पास शायद साल दो साल चार साल बाद आएगा और आके कहेगा कि साहब मैंने बीच में दवाई शुरू की थी पर फिर भी अब मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, मैं बाद में मैंने मेटफॉर्मिन शुरू कर दी पर वो काम नहीं कर रही, और इस आदमी को प्यास क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शुगर जब तक 200 के अंडर रहती है तब तक सब ठीक रहता है, जैसे ही शुगर 180 क्रॉस करती है तो यूरिन में शुगर निकलना शुरू हो जाती है, यूरिन में जैसे ग्लूकोज निकलता है तो उसके साथ पानी भी निकलता है खूब सारा, तो ये आदमी बार बार सुसू करने जाता है, और चूंकि बार बार सुसू हो रही है इसलिए उसको बार बार प्यास लगेगी, जो अपन क्लासिकल सिम्टम कहते हैं ना पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया, और बार बार इंसुलिन निकलता है तो बार बार भूख लगती है, बार बार कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग होती है, तो ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली इस आदमी को वेट लॉस होने शुरू हो जाएंगे, इनिशियली इसको वेट गेन था जब तक इंसुलिन ज़्यादा बन रही थी, इंसुलिन एनाबोलिक हार्मोन, लेकिन जब इंसुलिन का बनना कम होने लगेगा, जब बीटा सेल एग्जॉस्ट होने लगेंगे तो इसका वेट बढ़ना रुक जाएगा, इसे थकान ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो लक्षण है पहले के वो एक्सटेंड हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, हो सकता है कि इसको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन आ जाए। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है कि वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, स्टोर करा के कुछ सर्टेन सेल, लेकिन बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो इस हाइपरग्लाइसीमिया को सह नहीं पाते, जब ब्लड में शुगर बढ़ी रहती है तो बहुत सारे सेल हैं जो पगला जाते हैं, सबसे कॉमन इसमें से होते हैं आपकी ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, जो एंडोथीलियम एपिथीलियम ब्लड वेसल्स में होती है अंदर, वो खराब होती है, वो इस हाइपरग्लाइसीमिया को झेल नहीं पाती, वो शुगर को झेल नहीं पाती, वो उस शुगर के मॉलिक्यूल को अंदर लेती है, उसका कुछ तो भी अजीब सा फैट बनाती है, फिर उसको तोड़ लेती है, और अल्टीमेटली इन सारी छोटी छोटी वेसल्स में प्लाक बनने शुरू हो जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। शुगर मॉलिक्यूल्स के कारण जो क्रिएट हुआ छोटी वेसल्स को बंद करता है, माइक्रो एंजियोपैथी कराता है और मैक्रो एंजियोपैथी कराता है। माइक्रो में ये क्या करता है, रेटिना की वेसल्स को बंद करने लग जाता है, आदमी को रेटिनोपैथी हो जाती है, किडनी की वेसल्स को बंद करने लग जाता है, नेफ्रोपैथी होने लग जाती है, छोटी छोटी सी वेसल्स को बंद करने लग जाता है, ये शुगर शुगर नहीं शुगर के कारण जो सेल्स में तेज ज्यादा देना है, अब इसको दिखना कम हो जाएगा। डायबिटीज का पहले वाले हिस्से में इंसान को कोई तकलीफ नहीं होती, बड़ा खुश रहता है, आप उसको दवाई कहते हो, आपसे लड़ने आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब को पैसे बनाने के खेल कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो सिम्टम आने शुरू, अदरवाइज शुगर का कोई सिम्टम नहीं होता इनिशियल स्टेज में, तो बिल्कुल नहीं होता, आदमी खुश होता है, खुश होता है तभी तो खा रहा होता है, इसको ब्लड विजन भी मिल सकता है, इसको हो सकता है कि इन्फेक्शन बढ़ने लग जाए, इसकी शुगर बढ़ी हुई रहती है। अब आप क्या करोगे, आपके पास ये आया है, अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो इसकी फास्टिंग बढ़ी हुई मिलेगी 130 के सामने, इसका HbA1c भी 7.5 से ऊपर मिलेगा आपको, इसकी लिपिड प्रोफाइल पक्का डिरेंज हो सकती है, इसकी माइक्रो एल्बुमिन आ जाएगा, ये नहीं कह रहा कि एल्बुमिन का प्लस आएगा, एक माइक्रो एल्बुमिन भी होता है वो बढ़ जाएगा, उसका एक रेशियो होता है वो बाद में कभी देखेंगे, इसकी यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन बढ़ जाएगा। इस आदमी का सीरम इंसुलिन कराओगे तो कैसा मिलेगा ये तो मुझे, सीरम इंसुलिन या सी पेप्टाइड ऐसे व्यक्ति का जिसके बीटा सेल अब थकने लग गए, इसका सीरम इंसुलिन कैसा होगा, नॉर्मल होगा, बढ़ा हुआ होगा या कम होगा? यस, इस व्यक्ति का सीरम इंसुलिन नॉर्मल से लो की तरफ, हो सकता है बहुत लो ना मिले पर बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। अगर व्यक्ति की शुगर 200-250 चल रही है, उसका HbA1c 7.5-8 के ऊपर है और उसका सीरम इंसुलिन नॉर्मल आ रहा है, तो आपको टेंशन पालने के बाद शायद इसके बीटा सेल्स अब जवाब देना शुरू कर दे। इस व्यक्ति को जो दवाई काम करेगी वो मेटफॉर्मिन तो देनी ही है कि जो थोड़ा बहुत भी इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए, पर इसे यहाँ सल्फोडाइल यूरियाज अच्छा काम करेंगे, नाम में मैं नहीं जाऊंगा, वो सारी गिलबिल गिलबिल वाली ड्रग्स है ना, क्या नाम से गिलबिल जो भी अभी नहीं आती, वो सारी दवाइयाँ इससे काम करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि ये इंसुलिन को रिलीज करवाएंगे। अगेन ये भी टाइप 2 के लिए है, टाइप 1 के लिए नहीं है दवाइयाँ,
इन्हें फर्स्ट लाइन ड्रग्स में नहीं यूज करना चाहिए, पहले मेटफॉर्मिन, उसके बाद अगर बीटा सेल एग्जॉशन आपको लग रहा है तो ये देंगे। इन दवाइयों की दिक्कत है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कराती है। क्यों कराती है कि आपने दवाई खा ली और खाना नहीं खाया तो ये तो इंसुलिन निकलवाएगी निकलवाएगी। इसका जो इंसुलिन रिलीज है वो फूड डिपेंडेंट नहीं। एक और सेट ऑफ दवाइयाँ होता है मैं पढ़ाऊंगा जिनमें कि खाना खाओ तो इंसुलिन रिलीज कराती है, सल्फोनाइल यूरियाज वैसे भी इंसुलिन रिलीज कराती है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करेंगी। दूसरे जो इसमें पुरानी वाली होती थी वो 16-16, 18-18 घंटे काम करती थी, तो ऐसे खूब सारा हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क होता है। तो इसके मरीज को आपको समझाना पड़ेगा कि साथ में टॉफी रखो, थोड़ा सा कुछ ग्लूकोज का एक डब्बा साथ में रखा करो, घर में रखा करो, कुछ हो जाए तो मान लेना। आखिरी दवाई जो आई थी वो ग्लिमिप्राइड आई थी इसकी, और इन सारी दवाइयों से मोटापा बढ़ता है। तो अगर दुबला डायबिटिक आया है तो सल्फोनाइल यूरिया अच्छी दवा है। मोटापा क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंसान को बार बार इंसुलिन रिलीज कराती है, इंसान भूखा रहता है, खाता जाता है, और उल्टा क्या होता है कि भूखा रहता है, खाता है, बीटा सेल और बर्नआउट होते हैं, पर जो भी हो टाइप स्टेज टू में ये दवाई ज़्यादा अच्छी हाइपोग्लाइसीमिया कराती है, दारू के साथ और ज़्यादा कराती है। तो अगर आप ये शुरू कर रहे हो तो इंसान से बोलना चाहिए प्लीज़ 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 ये चीज़ छोड़ दो। थियोफाइलिन के साथ ये हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है, थ्योरेटिकल पॉइंट से ज़्यादा, कोई एस्थमेटिक को ध्यान रखना है। चूंकि इसके नाम में सल्फो है तो जिन लोगों को सल्फा ड्रग से रिएक्शन होती है उनमें सल्फोनाइल यूरियाज अवॉइड करना। हमारे यहाँ पे ये दवाइयाँ काफ़ी यूज होती हैं, बड़े देशों ने इनको थोड़ा सा कम कर दिया है। इन्हीं के दो रिश्तेदार और भी हैं जिनको अपन रेपाग्लिनाइड कहते हैं, निटिग्लिनाइड कहते हैं, या मैग्लिनाइड नाम में कुछ नहीं रखा है। इनका भी फंक्शन होती है कि ये भी इंसुलिन को डिक्रीज करवाते हैं। पिछली बार जो पढ़े थे मेटफॉर्मिन पायोग्लिटाजोन वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं, ये वाली दवाइयाँ सेंसिटिविटी नहीं इंक्रीज कर रही, इंसुलिन को ही रिलीज करवा रही है। ये अच्छी इस मामले में कि शॉर्ट एक्टिंग है, 20-20 घंटे काम नहीं करती तो हाइपोग्लाइसीमिया कम होता है। पर ऐसा कभी नहीं करना कि ये भी दे दी, रेपाग्लिनाइड भी दे दी और एक सल्फोनाइल यूरिया भी दे दिया, फंसने वाला काम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क और बढ़ जाएगा। तो स्टेज वन डायबिटिक की दो दवाइयाँ मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन, स्टेज टू डायबिटीज की ये दवाइयाँ हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ी रेपाग्लिनाइड वाली दवाइयाँ, हमने पढ़े सल्फोनाइल यूरिया, और थोड़े से और देख लेते हैं डीपीपी पूरे नहीं गिफ्टिन। अगेन इनमें से हर एक दवाई पे हम आधे घंटे का एक पूरा लेक्चर बनाएंगे जब हम डायबिटीज कोर्स पढ़ेंगे, आराम से उसकी एक एक इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन और कॉम्बिनेशन, इसमें ये और ये मिला के दे दो, उसमें वो और वो मिला के दे दो, वो इस एक घंटे के लेक्चर में संभव नहीं है। तो ग्लिप्टिन्स के साथ अच्छी बात है कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कर रही। तीन नाम है इसके काम के, विल्डा, सीता और लीना, और ये इनडायरेक्टली इंसुलिन रिलीज करती है। इनडायरेक्टली मतलब कैसे करती है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो इनग्रेडिएंट से क्या काम करती है। काम की बात ये कि जब इंसान खाना खाता है तब ये इंसुलिन रिलीज करती। पिछली बार जो दवाइयाँ थी सल्फोनाइल यूरियाज वो बिना खाना खाए भी इंसुलिन रिलीज करा देंगी। आप भूखे पेटो आपने गोली खा ली तो इंसुलिन तो निकलेगा ही, ब्लड का रिपोर्ट दिखाई। यहाँ ये तब काम करेंगी जब इंसान खाना खाएगा तो ये इंसुलिन रिलीज कराएंगे, फिजियोलॉजी को पूछते हैं। और भी एक काम करती है कि पेट को धीरे धीरे खाली करती है, तो एकदम फास्ट फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो शुगर ज्यादा नहीं होता। और भी कुछ काम करती है कि ग्लूकागॉन को भी कंट्रोल करती है तो उससे भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। अगेन इनके भी कॉम्बो नहीं होते, दो इंसुलिन रिलीजिंग ड्रग्स एक साथ नहीं देना प्लीज। तो हमने दवाइयों के दो तरह के ग्रुप पढ़े, ऐसी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, ऐसी जो इंसुलिन सिक्रीट कराती है। इसी में एक और दवाई का नाम देख लेते हैं हम, इसको हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ काम करेंगे। ये दवाई क्या करती है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है कि सब कुछ ठीक है बस ये किडनी में जाके नल खोल देती है। आम इंसान के साथ क्या होता है कि जब तक शुगर 200 के ऊपर नहीं जाए, 180 के ऊपर नहीं जाए, तब तक यूरिन में ग्लूकोज नहीं निकलता, ये जाके किडनी में नल खोल देती है और किडनी से ग्लूकोज को बहने देती है। तो ब्लड ग्लूकोज कैसे कम करेंगे, यूरिन में ग्लूकोज को निकाल के, मतलब किडनी की छन्नी इसने हटा दी, किडनी में से शुगर छलती जा रही है और निकलती जा रही है। अच्छी बात है, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, ना इंसुलिन रिलीज कर रही है ना इंसुलिन के सेंसिटिविटी पे काम कर रही है, ये बस इंसुलिन का ग्लूकोज का थ्रेशहोल्ड कम कर रही है कि किडनी से यूरिन में ढेर सारा शुगर निकलने लगता है, भले शुगर 200 हो या नहीं। फायदा क्या होगा कि इससे ग्लाइकोस यूरिया होता है, ग्लाइकोस यूरिया मतलब
कि ब्लड में जो ग्लूकोज है वो यूरिन में निकलना शुरू हो गया, यूरिन में ग्लूकोज बढ़ गया, पर वो हमारे किसी प्रॉब्लम का नहीं है, और HbA1c या ग्लूकोज का कंट्रोल होने लग गया। ये सारी चीजें आजकल इससे वेट लॉस भी होता है। तो अगेन मोटे डायबिटिक को है, GLT2 दे दो, और भी आते हैं बहुत सारे कौन सी ग्लूटाइड वगैरह, सब डिटेल में पड़ेंगे। बीपी को कंट्रोल करती है, कार्डियोवैस्कुलर, बड़ी अच्छी दवाई, जितनी नई दवाई आती है ये सब कहते हैं हाँ ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, तो सब अच्छा है। फिर दो साल बाद नई रिसर्च आएगी, तब कहेंगे यार इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे हो गए 25 साल देखते देखते। पर अभी जो सबसे ज्यादा फेवरेट चल रही है डॉक्टरों की और कंपनी वालों की, अच्छी दवाई है। तो हमने दवाइयों के सेट पढ़े, अब डिटेल में नहीं पढ़े, हम डिटेल में जाएंगे अभी नहीं जाएंगे, अभी हम डायबिटीज के बारे में बोल रहे हैं। तो यदि पहली स्टेज में आपने व्यक्ति को पकड़ लिया और खाली मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन और डाइट और एक्सरसाइज, आपको 70-80% वही लगेगी। अगर नहीं रोक पाए तो सेकंड स्टेज में आ जाएंगे, उन्हें आपको इन दवाइयों से रोकना है। मेटफॉर्मिन उसमें भी अक्सर चलेगी, चलेगी जब तक भी थोड़ा भी इंसुलिन है, मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवाई जो आपको चलानी है। यहाँ भी यदि नहीं पड़ते हैं, इग्नोर्ड पेशेंट है, निग्लेक्टेड पेशेंट है, या ऐसा इंसान है जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है अपने जीवन में, जो बैठ चुका है फिसल पट्टी पे कि नहीं साहब मुझे तो जाना ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डायबिटीज से, वो स्टेज 3 तक। ये इंसान तुम्हें मोटा नहीं मिलेगा, वो जो इंसान चश्मे वाला मोटा बैठा था वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दुबला हो जाएगा, उसको वेट लॉस हो चुका होगा, उसके बीटा सेल जवाब दे चुके होंगे। इसमें तुम ढूंढने चाहोगे, इसकी फास्टिंग ब्लड शुगर भी तुमको जरा 300 के ऊपर मिलेगी, इसको परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा, तुम उसको कितनी दवाई डालो, जब इंसुलिन निकल ही नहीं रहा तो क्या कर लेगा, इसको खूब सारा वेट लॉस होगा, भयानक फटीग में होगा, बहुत प्यास लगती होगी, और इसको अक्सर स्लो हीलिंग वुंड्स होंगे, इसके पैर में तुम्हें गैंग्रीन मिल जाएगी। ये तुम्हारे पास आएगा भी नहीं, ये किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास होगा या सर्जन से अपना पैर कटवा रहा होगा। इसे दिखने में समस्याएं आने लग जाएंगी, इसको रीनल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, इसके क्रिएटिनिन बढ़ जाएंगे, एक दो बार अस्पताल में भर्ती हो चुका होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लेके। ये वो मरीज है जो अगर अपन जीपी कर रहे हैं तो अपने को शायद हैंडल भी नहीं करना चाहिए, अपना फोकस उस वाले मरीज पे जो 70% जो उनको मेटफॉर्मिन खिलाओ और ठीक रखो। इसकी जांच कराने जाओगे तो इसकी फास्टिंग 200-250 होगी, सब तरह की दवाइयां, इसका HbA1c 9-10 मिलेगा, HbA1c पे आज बात नहीं कर रहा, पूरा लेक्चर बनाऊंगा, और इसका रेखा काम की जब तुमने पहले रिपीट कर दिया, इस व्यक्ति का तुम सीरम इंसुलिन कराने जाओ या सी पेप्टाइड कराने जाओगे तो लो निकले, इसकी यूरिन में शुगर 3+ निकलेगी, कीटोन मिल सकते हैं, इसके लिवर फंक्शन डिरेंज होंगे, इसके रीनल फंक्शन डिरेंज होंगे, इसमें हर तरह की डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन देखने को। इस व्यक्ति का क्या इलाज है ये तुम मुझे चैट बॉक्स में लिखो, फिर हम आगे की बात करते हैं। यहां सबको पता है। तो अभी तक हमने कोशिश की है कि इस 40-50 मिनट में हम डायबिटीज को एक ड्रोन व्यू से देखें, आजकल ड्रोन कैमरे आ गए ना, कि ऊपर से हम देखें कि डायबिटीज का ओवरव्यू क्या है, ये होती क्यों है, वो जो दो हार्मोन जो आपस में खेलते हैं इंसुलिन ग्लूकागॉन, वो कैसे काम करते हैं, और डायबिटीज की स्टेजेस क्या होती है, स्टेजेस मैंने क्रिएट की किताब में, मत ढूंढने जाना, और उन स्टेजेस में फिजियोलॉजिकली कौन सी दवाई देनी है। मैं फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ रहा कि DPP-4 पे काम करती है कि SGLT2 पे करती है, फिजियोलॉजिकली कौन सी दवाई इंसुलिन सीक्रेट कराती है, कौन सी दवा रेजिस्टेंस को कम करती है, कौन सी दवा यूरिन में शुगर निकालती है, कौन सी दवा पेट में से एब्जॉर्ब ही नहीं होने, जब कुछ काम नहीं करेगा तो इंसुलिन देनी। अगर आपको लगता है कि इस एक घंटे में आपने बहुत कुछ सीखा, पर यदि आप अब इससे आगे कुछ और नहीं सीखते हैं तो भी कल से आपका डायबिटीज का नजरिया बदलेगा, तो मुझे जरा हाँ लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि इस एक घंटे के लेक्चर में भी आपका डायबिटीज के प्रति व्यू पॉइंट मैंने चेंज किया है, कि आपने इस एक घंटे में सीखा है, तो मुझे हाँ, काफी लोगों को ऐसा मुझे भी लगता है। तो साहब ये खाली जमीन है, यहाँ पे एक पल्टी बनेगी, उसमें 15वें फ्लोर पे आपका मकान होगा, ये मेरा कोर्स अभी लॉन्च हुआ नहीं,
इसका पहला लेक्चर भी नहीं बना, इसका पहला लेक्चर ये है जो आज मैं बोल रहा हूँ। इसमें आगे लेक्चर्स बनेंगे। क्या पढ़ाओगे सर? ये सब पढ़ाऊंगा मैं, या आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है, सारी कॉमन चीज़ें। मैं कोर्स के आवर्स नहीं बेचता, मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे जो और ऐड आते हैं, मैं जो भी ऐड आता है उसको सब्सक्राइब करता हूँ, जो भी ऑनलाइन कोर्स मिलता है मैं सारे खरीदता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं और मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। मैं क्या पढ़ाऊंगा वो तो सामने दिख रहा है, तुमको पता है जो सब डायबिटीज़ होता है वो पढ़ाऊंगा। मैं उसे 100 घंटे तक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आवर्स नहीं सेल करूंगा कि 100 घंटे का कोर्स है कि 60 घंटे का कोर्स है। मेरा पर्पस ये है कि मैं 1 किलो अंगूर को निचोड़ के उसके लिए 100 ग्राम की किशमिश बना दूँ और वो चीज़ आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये आपको जरूर बताऊंगा। मैं इस कोर्स को प्रैक्टिकल ओपीडी बेसिस पे पढ़ाऊंगा कि ओपीडी में ऐसा मरीज आए तो क्या करना और वैसा मरीज आए तो क्या करना। हॉस्पिटल बेसिस पे पढ़ाऊंगा कि हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हुआ है डायबिटीज वाला है तो उसे कौन सी दवाई बंद करनी, कौन सी चालू करनी, इंसुलिन शुरू करना तो इन्फ्यूजन कैसे लगाना और क्या डोज में लगाना और क्या ध्यान रखना। कॉम्प्लिकेशंस की बात करूंगा कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मरीज आ जाए तो क्या करना, हाइपोग्लाइसीमिया का आ जाए तो क्या करना। ये बताऊंगा कि इंसुलिन की जो थेरेपी चलती है वो जो स्लाइडिंग स्केल होती है उस पर कैसे खेलना, उससे कैसे कंट्रोल करना चीज़ को। बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग कि रात का सुबह का शुगर ज़्यादा आया तो सुबह की इंसुलिन का डोज कम कर दिया। इस तरह के खेल बताऊंगा आपको कि अभी की शुगर ज़्यादा है तो पिछला इंसुलिन कम करना है, इस तरह की चीज़ें। तरीका मैं आपको बताऊँ जो मैंने अभी पढ़ाया लगभग उसी पैटर्न पर पढ़ाऊँगा। मैक्सिमम लेक्चर्स मेरे होंगे और मेरे साथ डॉक्टर ऐश्वर्य के। तो डॉक्टर ऐश्वर्य काफ़ी एक्सपर्ट फिजिशियन है, उनके साथ मैं डिस्कशन करके चीज़ें निकालूंगा। जो कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग होगी वो कुछ मैं करूँगा और कुछ डिस्कशन बेस्ड टीचिंग। पीडियाट्रिक्स कोर्स में मैंने जो कोर्स बनाया है वो जनरल प्रैक्टिशनर के लिए बनाया है। ये कोर्स आपको पीडियाट्रिशियन नहीं बनाएगा, ये कोर्स आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ओपीडी में प्रैक्टिस करते हैं या अस्पताल में मरीज देखते हैं और आपके पास बच्चे आ जाएं तो कैसे हैंडल करना ये सीखना। मतलब आपको मैं नेल्सन पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको भाई पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको 100 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 10-15 घंटे में आपको काम काम की पीडियाट्रिक्स, जैसे पिछले कोर्स में कह रहा हूँ 10-15 घंटे में आपको काम काम की डायबिटीज, इससे आपका काम चल जाएगा। आप कोई थ्योरी की एग्जाम में गोल्ड मेडल नहीं लाओगे पर रियल लाइफ में डायबिटीज ट्रीट करना सीख जाओगे। तो तमाम तरह की चीज़ें कि आप पीएचसी में हो तो नियोनेट को कैसे रिसस्टेट करना या कि इम्यूनाइजेशन से लेके सब चीज़ें, पर मैं कोई किताब नहीं पढ़ाऊंगा, कोई नेल्सन या कोई बड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं आपको 10-15 घंटे में पूरा पीडियाट्रिक्स काम काम करूँगा।